नमस्कार, मैं हूं दिव्यांशी डोसी और आप देख रहे हैं SWB हिंदी। स्वागत है आपका आज की हमारी इस खास पेशकश में। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने देर रात तक करवाई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और किया दावा कि 26 जनवरी को उनकी ट्रैक्टर रैली में हिंसा भड़काने की बनाई गई है योजना। किसान नेताओं ने एक व्यक्ति को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश किया जिसने दावा किया कि उनकी योजना 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली में गोलीबारी करने और चार प्रमुख नेताओं को गोली मारने की थी। उस शख्स ने पूरी योजना को सिलसिलेवार तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कैसे गोलीबारी करके पुलिस और किसानों को आमने सामने किया जाना था ताकि प्रदर्शनों में हिंसा हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किसान नेताओं ने कहा कि उस व्यक्ति को पुलिस के सुपुर्द कर दिया है और आगे की कार्यवाही स्थानीय पुलिस करेगी। इसके बाद व्यक्ति को स्थानीय पुलिस को सौंप दिया गया। किसान नेता कुलविंद सिंह सिंधु ने कहा कि विभिन्न एजेंसियां किसानों के प्रदर्शनों में गड़बड़ी करने की कोशिश कर रही है। हालांकि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि यह जांच का विषय है। इस मामले में अभी तक पुलिस का कोई बयान नहीं आया है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ हरियाणा दिल्ली सीमा पर प्रदर्शन कर रहे जिस किसान की भी मौत हुई है उनके परिवार के एक सदस्य को राज्य सरकार नौकरी देगी। एक समाचार एजेंसी के अनुसार मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें अब तक पंजाब के 76 किसान की मौत की खबर मिली है जो पिछले करीब 2 महीने से हरियाणा दिल्ली सीमा पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार और किसान संगठनों के बीच 3 नए कृषि कानूनों को लेकर 11वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही है। शुक्रवार को विज्ञान भवन में हुई बैठक में सरकार ने अपनी ओर से दिए प्रस्ताव पर बातचीत करने की बात दोहराई जिसे किसान संगठनों ने मानने से इनकार कर दिया। किसान नेताओं ने कहा कि यह बैठक बमुश्किल 15-20 मिनट की ही चली। सरकार ने 1.5 साल तक कानूनों को स्थगित करने का प्रस्ताव किसान संगठनों के सामने रखा है लेकिन किसानों को यह प्रस्ताव मंजूर नहीं है। आइए चर्चा करते हैं इंटरनेशनल मुद्दों की। अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन सीनेट में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ट्रायल सोमवार से ही शुरू होगी। सोमवार को ही निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से उनके खिलाफ आर्टिकल ऑफ इम्पीचमेंट सीनेट को भेजा जाएगा। निचले सदन में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पहले ही पारित हो चुका है। अब सीनेट में ट्रंप के खिलाफ बगावत को उकसाने का मुकदमा चलेगा। 6 जनवरी को उनके भाषण के फौरन बाद उनके समर्थकों ने अमेरिकी संसद भवन पर हमला कर दिया था जिनमें एक पुलिसकर्मी समेत कुल 5 लोगों की मौत हो गई थी। सीनेट के नेता डेमोक्रेटिक पार्टी के चक शुमर ने कहा कि ट्रंप के खिलाफ फेयर ट्रायल होगा। रिपब्लिकन सांसद चाहते थे कि ट्रंप के खिलाफ मुकदमे को फरवरी तक टाल दिया जाए ताकि ट्रंप अपने बचाव की तैयारी कर सके। अगर सीनेट में ट्रंप के खिलाफ प्रस्ताव पारित हो जाता है तो भविष्य में किसी भी पब्लिक ऑफिस के लिए अयोग्य ठहरा दिया जाएगा। सीनेट में डेमोक्रेटिक पार्टी को बहुमत जरूर हासिल है लेकिन प्रस्ताव पारित करने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत है और इसके लिए कम से कम 17 रिपब्लिकन सांसदों के वोटों की जरूरत पड़ेगी। कुछ रिपब्लिकन सांसद ट्रंप के रवैये से बहुत नाराज हैं और निचले सदन में उनकी पार्टी की ही 10 सांसदों ने उनके खिलाफ वोट दिया था लेकिन सीनेट ने के 17 सांसदों के खिलाफ वोट आएंगे या नहीं यह कहना बहुत मुश्किल है। देश दुनिया की ऐसी ही ढेर सारी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए SWB हिंदी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।